मायूसी हर चेहरे पे, हुआ क्या है? कोई बताए इनकी खुशी का पता क्या है? जिधर देखो वही उदासी नजर आती है, मेरे लोगों की आखिर खता क्या है? भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र आज सबसे बड़ा भ्रष्टतंत्र बन चुका है। देश को चलाने वाले नेता आज सबसे बेईमान सौदागर बन चुके हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना रह गया है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आम इंसान बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से आज पूरा देश जूझ रहा है। हिंदुस्तान का दिल कही जाने वाली देश की राजधानी दिल्ली, जिसे पूरे देश के सामने मिसाल के रूप में देखा जाना चाहिए था, उसकी हालत तो और भी ज्यादा बुरी है, जिसमें कई इलाके तो ऐसे हैं जहां हालात बस से बदतर हैं। यहां लोग ऐसा जीवन बिता रहे हैं जिसे देखकर लगता है कि शायद जानवरों की जिंदगी फिर भी बेहतर हो। ऐसा ही एक दिल्ली का इलाका है राजेंद्र नगर, जहां यदि लोगों के जीने का तरीका देखा जाए तो शायद इंसानियत की आंखें भी नम हो जाएं। राजेंद्र नगर क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन यहां के चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों के कानों तले जूं तक नहीं रेंगती। एक बार चुनाव जीत जाने के बाद यहां के विधायक तथा पार्षद कभी जनता का हाल तक पूछने नहीं आए और ना ही यहां के विकास के लिए कोई कार्य किया, क्योंकि उनकी नजर में तो कीड़े मकौड़ों वाली जिंदगी बिताने वाली यहां की जनता सिर्फ एक चुनाव जिताने का साधन भर है, जिससे वो सिर्फ तब रूबरू होते हैं जब उन्हें इनके वोटों की जरूरत पड़ती है। बिजली, पानी, सड़क और रोजगार के खोखले वादों का सीधा उदाहरण राजेंद्र नगर क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहां की तस्वीर, यहां की बदहाली बयान करती है। 40-45-50 साल हो चुकी झुकिन के लिए पड़े हुए, इन लोगों के लिए कोई सुविधा आज तक कांग्रेस आई तो नहीं दी, बीजेपी आई तो नहीं दी। अब बताइए हम किसको वोट दें? हर साल वोट मांगने चले आते हैं और गरीबों का दबाव देकर ले लेते हैं। सड़कों का हाल, सीवर का हाल, यहाँ पानी की समस्या, यहाँ सारी समस्याएं हैं। यहाँ के कुछ भी कोई सुनाई नहीं करते जी, ना पानी की समस्या है, ये लैटरिन की, सब कोई भी कुछ भी नहीं है। जितने नेता वगैरह सबको बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं जी। सब अपने वोट के लिए आते हैं, बस अपने वोट लेके चले जाते हैं। उस पर अगर बेचारी जनता का कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर यहाँ के नेताओं के पास जाता है तो उसकी मदद करना तो दूर, उसके साथ बदसुलूकी की जाती है, जिससे लगता है कि वो जनता के सेवक नहीं कोई तानाशाह हों। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन हर एक ने यहाँ की जनता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ही किया है, फिर चाहे वो यहाँ रहने वाला कोई गरीब हो या कोई मध्यम वर्गीय, कोई व्यापारी या फिर कोई सर्वसंपन्न व्यक्ति। एक दिया ही काफी है अंधेरा हटाने को, बस थोड़ा हौसला चाहिए मुश्किलें मिटाने को। ऐसे ही हौसले और हिम्मत के साथ पिछले कई वर्षों से एक समाज सेवी अपनी संस्था सहयोग के माध्यम से लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, जिनका नाम है त्रिलोक चंद शर्मा। त्रिलोक चंद शर्मा जी ने राजेंद्र नगर क्षेत्र, कठपुतली कॉलोनी, संगम कॉलोनी,
इंदरपुरी, जे कॉलोनी, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया इत्यादि में कुछ ऐसा कार्य किया है जो कि बहुत सराहनीय है, जैसे कि अपने खर्चे पर जरूरतमंदों को स्वच्छ जल मुहैया कराना, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी करवाना, निरोग रहने के बारे में लोगों को प्रेरित करने के लिए साफ सफाई करवाना इत्यादि। त्रिलोक चंद शर्मा जी ने हमारे लिए गंदगी उठवाने के लिए यहाँ पे किए तो प्रमोद तंवर ने सीधा रुकावट कर दिया कि कोई गंदगी नहीं उठेगी, या झुकी वालों को गंदगी में रहते तभी नहीं सबको अच्छा है। हम चाहते हैं कि त्रिलोक चंद शर्मा को एक बार लाया जाए, सब लोगों ने एक बार कोशिश करो उनको लाने के, एक बार कोशिश करो क्योंकि वही ऐसे अच्छा आदमी है। दवाई के लिए दवाई लेके देते हैं या कुछ भी चीज देते हैं, मगर मायूस नहीं करते किसी को भी, बहुत भले इंसान है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा नेता है त्रिलोक चंद शर्मा जैसा है जो काम करे और बढ़िया काम करते हैं वो। पिछले 20 वर्षों से समाज सेवक के रूप में काम करने के बाद यहाँ की जनता के बहुत आग्रह करने पर 2013 के आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में त्रिलोक चंद शर्मा जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी की ओर से राजेंद्र नगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। त्रिलोक चंद शर्मा जी का ये विश्वास है कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए हर कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है और इसीलिए यहाँ के लोगों के जीवन में वो जरूर ही कई सुधार ला पाएंगे। बच्चों और नवयुवकों को बेहतर शिक्षा प्रदान करवाना, वयस्कों को रोजगार दिलवाना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करना, बिजली की सही सुविधा करवाना, वक्त पर पानी आए इसका ध्यान रखना, बेहतर सड़कें होना तथा साफ सफाई का व्यापक इंतजाम होना उनके प्रमुख मुद्दे हैं। मैंने सन 2003 में इंडिपेंडेंट चुनाव पहली बार लड़ा और 8,500 वोट मुझे उस टाइम मिले। इसी चीज को देखते हुए सन हम लगातार जनता से जुड़े रहे, सामाजिक धार्मिक सभी कार्यों के अंदर, और 2008 के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित करा करके मुझे राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में जिस प्रकार से कार्य करके दिखाए हैं, उन्होंने गरीबों के लिए वहाँ 2 कमरे का मकान बना करके बिना किसी लागत के चाबी उनके हाथों में सौंप ली। ये दिल्ली में भी होगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने पर यह कार्य भी उसी प्रकार जैसे बहन जी ने यूपी में कार्य करके दिखाया, कानून व्यवस्था को सबसे बेहतर ढंग से हैंडल किया, उसी प्रकार से दिल्ली में भी किया जाएगा। यहाँ पे झुग्गी वासी जो है, माताएं बहने, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वो खुले में बैठे हैं, बुरा हाल नाटकीय जीवन जी रहे हैं। हम मुस्लिम भाइयों के, मुस्लिम समाज के हित में चुने जाने पर उनके लिए मस्जिद की व्यवस्था कराएंगे और जब तक मस्जिद नहीं बनेगी तब तक पार्कों में समुचित उनके लिए व्यवस्था कराई जाएगी। हम और बहुजन समाज पार्टी दलितों, पिछड़ों और पूर्वांचल वासियों के हित में मैदान में है और इनके सहयोग से और सब समाज के सहयोग से इस बार बहुजन समाज पार्टी राजेंद्र नगर विधानसभा में विजयी रहेगी और जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी।